सुप्रीम पेट्रोकेमिकल पे, इंक्लूडिंग ये सेक्टर पे भी, पेट्रोकेमिकल जो सेक्टर है वो और सुप्रीम पेट्रोकेमिकल पे क्या राय है? सुप्रीम पेट होगा ये, देखिए सुप्रीम पेट्रोकेमिकल की बात कर लें रखिए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है उस तरह से, इसके नंबर्स, एफिशिएंसी कह लें, बहुत ही डेट कम है कंपनी में, मतलब जो ऑल गुड ट्रेड्स अबाउट अ गुड कंपनी जो होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जो है सेम गोज विथ, जैसा कि मैं बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के कारण कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी स्क्वीज हुए हैं, 6% के आसपास आ चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं 17 से 20% के आसपास रहते थे, वो काफ़ी बड़ी जो है उसमें गिरावट लास्ट क्वार्टर देखी गई है। ये थोड़ा निराशा था स्टॉक के लिए, अदरवाइज स्टॉक में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड अब चूँकि चीज़ें प्राइस स्टेबलाइज हो रहे हैं और जो है आने वाले टाइम पर शायद ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास है तो अभी जैसे 340 के नीचे का एक बाय क्लोजिंग बेसिस से स्टॉप लॉस लेकिन जरूर रखें इसमें अगर आपके पास है तो। जी तो ये है ना, और ओवरऑल पेट्रोकेमिकल व्यू पे कोई सेक्टर पे कोई व्यू बनता है क्या सर इसमें? बहुत ज़्यादा क्लोजली लेकिन मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ठीक है अभी चूँकि सारी चीज़ें धीरे धीरे अब पेट्रोकेमिकल भी धीरे धीरे ठीक करे क्योंकि इनपुट कॉस्ट मटेरियल सारी चीज़ों के अब धीरे धीरे कम हुए हैं। दूसरी चीज़ डॉलर का जो है वो काफ़ी गिरावट देखी गई है, हम लोग जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब देखने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे ये जितने भी पूरे सेक्टर में कह लें कि हेडविंड्स था वो अब धीरे धीरे रिसीड होते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर्स इससे लाभान्वित जरूर होंगे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।